हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SEO फ्रेंडली आर्टिकल लिखने के ऊपर। जी हाँ, आप SEO राइटिंग AI टूल का यूज करके एक क्लिक में आर्टिकल जनरेट कर सकते हो और वो भी 100% रैंक करने लायक। जी हाँ, आपके सामने अभी मैं एक ऐसा टूल दिखा रहा हूँ जिसका नाम है SEO राइटिंग AI टूल। और ये जो टूल है ना, आपको एक क्लिक में आर्टिकल लिख के देगा ही देगा। इसके अंदर एक अपडेट आ चुका है। पहले क्या था कि जो इमेजेस जनरेट होती थी इसके अंदर, वो AI लगती थी कि हाँ ये AI के द्वारा जनरेट किया गया है। लेकिन अभी के टाइम पर इतना इम्प्रूव हो गया है ये टूल कि जो इमेजेस जनरेट हो रही हैं वो बहुत ही यूनिक, और यहाँ पर लग रहा है कि हाँ भाई ये AI से नहीं बनाया गया इमेज, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त इमेज जनरेट हो रहा है। और साथ ही साथ इसके अंदर ह्यूमनाइजर टूल भी आ चुका है, यानी कि आपके द्वारा लिखे गए आर्टिकल को ये ह्यूमनाइज कर देगा, यानी कि ह्यूमन रिटन में कन्वर्ट कर देगा। और डेफिनेटली आप इस तरह से आर्टिकल लिख के गूगल में रैंक करके बहुत सारा यहाँ पे ट्रैफिक गेन कर सकते हो। बेसिकली चलिए देखते हैं कि कैसे हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और डेफिनेटली आप गूगल में रैंक भी कर सकते हो इस AI टूल का यूज करके। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि यहाँ पे हमारे कुछ आर्टिकल गूगल में रैंक कर रहे हैं और बिल्कुल इसी टूल से लिखे गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था, हाउ टू रैंक ऑन गूगल इन 2024, ठीक है। ये मैंने आर्टिकल लिखा और यहाँ पे पहले पेज पे आप देखोगे तो फोर्थ नंबर पर यहाँ पे बेसिकली 6 अप्रैल 2024 को मैंने ये आर्टिकल लिखा था। और देखो ये हाउ टू रैंक ऑन गूगल इंस्टेंटली इन 2024, ये bloggingskill.com हमारा इस कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। आप चाहो तो खुद क्रॉस चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और कीवर्ड मैं दिखा देता हूँ, हाउ टू स्टार्ट इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैंने एक आर्टिकल लिखा है। एंड यहाँ पे कोरा के बाद देखो तो हाउ टू स्टार्ट एन इंटरनेशनल ब्लॉग इन 2023, मैंने यहाँ पे बेसिकली ये 5 अक्टूबर 2022 को लिखा था। और ये देखो आज भी ये पहले पेज पर रैंक कर रहा है। तो डेफिनेटली जब आप अपने कंटेंट में क्वालिटी दोगे, ये मैटर नहीं करता है कि आप AI से लिख रहे हो या किससे लिख रहे हो, आपके कंटेंट में अगर यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी है, आप उसे ह्यूमनाइज बना रहे हो, तो AI से भी लिखा हुआ कंटेंट आपका गूगल में रैंक करेगा। अब मैं बताता हूँ कि कैसे आपको बेसिकली SEO राइटिंग टूल को यूज करना है। देखो, SEO राइटिंग टूल की जो वेबसाइट है उस पर सबसे पहले आपको आ जाना है, और जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर लोगे अपना अकाउंट वगैरह बना के, तो आपको कुछ इस तरह का बेसिकली डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। और SEO राइटिंग AI टूल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से आप जाके इस पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो अपना साइनअप वगैरह कर लेना, और साइनअप वगैरह करने के बाद सबसे पहले देखो यहाँ पे वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट है, बल्क AI आर्टिकल जनरेशन है, ह्यूमनाइजर टूल है। इसके अंदर ह्यूमनाइजर टूल के अंदर आप अपने आर्टिकल को ह्यूमनाइज कर सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे की तरफ देखो तो ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट राउंडअप, प्रोडक्ट रिव्यू, हाउ टू गाइड, बहुत सारे ऐसे टूल हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे आर्टिकल लिखेंगे चलिए वो देखते हैं। तो वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा, सबसे पहले आपको भी ऐसे करना है। एंड वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आप एक अपना कीवर्ड निकाल लीजिए, ठीक है, किस कीवर्ड पे आप काम करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड निकाल लिया है जिसका नाम है हाउ टू इम्प्रूव वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योरिटी। तो इस कीवर्ड को बेसिकली मैं चाहता हूँ इसके ऊपर आर्टिकल लिखूँ, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। और ये कीवर्ड कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने इस SEO राइटिंग AI टूल में आएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेन कीवर्ड में अपना कीवर्ड को डाल देंगे। तो मैं जब भी टारगेट करता हूँ तो लॉन्ग टेल कीवर्ड ही टारगेट करता हूँ। मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक चाहिए, मुझे चलेगा, लेकिन मेरा आर्टिकल रैंक करना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो हाउ टू इम्प्रूव वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आना है आपको। अभी देखो ना, यहाँ पे जनरेट टाइटल पे क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले तो देखो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो मैं लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश ही रहने दूंगा। आप जिस भी लैंग्वेज में आर्टिकल लिखना चाहते हो उस लैंग्वेज में यहाँ आर्टिकल लिख सकते हो। अब आर्टिकल की साइज़ मैं मीडियम रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 2400 से 3600 वर्ड का मेरा आर्टिकल लिख जाए। आप चाहो तो यहाँ पे लार्ज कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्मॉल भी कर सकते हो, तो बट मैं मीडियम में लिखना चाहता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं तो टोन ऑफ वॉइस क्या होना चाहिए, तो मैं फ्रेंडली ही रखूँगा। एंड यहाँ पे AI मॉडल आपको यूज करना है, तो मैं यहाँ पे एंथ्रोपिक क्लाउड 3 ओपस यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसमें से GPT-4, एंथ्रोपिक क्लाउड 3.5 सोनेट, ये नया आया है, उसी तरह से GPT-40 मिनी एंड GPT-40, तो ये
आप मॉडल लैंग्वेज मॉडल सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आप देखो ना, तो मैं अभी ये वाला यूज करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टारगेट कंट्री क्या रखना चाहते हो, जो आर्टिकल आप लिखना चाहते हो वो किस कंट्री को टारगेट करके लिखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंडिया सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, इंडिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है और डिटेल्स टू इंक्लूड इस पर चेक मार्क लगाइए और जो कीवर्ड आपने टारगेट करना है वो डाल दीजिए। इससे रिलेटेड और भी इसमें अंदर कीवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे इंटर दबाइए और यहाँ पे कीवर्ड और भी इम्प्रूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन है देखो AI इमेजेस, ठीक है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मीडिया हब के अंदर AI इमेजेस आपको यस कर देना है। और नंबर ऑफ इमेजेस में 3 रखना चाहता हूँ एंड यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हो इमेज की। उसके बाद यहाँ पे देखो ना, एडिशनल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दे सकते हो कि यहाँ पे क्या ब्रांड वगैरह नाम वगैरह लिखना चाहते हो। जैसे एडिशनल इंस्ट्रक्शन में कुछ भी आप यहाँ पे टाइप करोगे और ब्रांड नेम जो देना चाहते हो वो इंटर ब्रांड नेम पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया, जैसे इसमें ऐड वर्डप्रेस लोगो ऑन वेबसाइट विद सिक्योरिटी वर्ड एंड यहाँ पे ब्रांड नेम में मैं वर्डप्रेस दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप इमेज यूट्यूब वीडियोज भी जनरेट कर सकते हो, तो यहाँ पे चेक मार्क में लगा लेता हूँ, यस कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ एक वीडियोज मेरा यहाँ पे मेरे पोस्ट में आ जाए, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, NLP कीवर्ड जनरेशन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका उससे रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे जो SEO में आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर में पर्सनल और इमोशनल रखना चाहता हूँ। उसके बाद कंक्लूजन चाहिए, टेबल चाहिए, S3 चाहिए, लिस्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए। की टेकवेज हमें अभी नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं इसे ना कर देता हूँ। और FAQ में मैं यस कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आंसर के साथ चाहिए मुझे। एंड उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो इंटरनल लिंकिंग भी आप कर सकते हो इसके अंदर। उसके लिए आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड कर देना है, जिस भी वेबसाइट से इंटरनल लिंक करना चाहते हो। जैसे हमारी bloggingskill.com है, तो इसके अंदर bloggingskill.com साइट को मैं ऐड कर सकता हूँ, बट अभी मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, मैं मैन्युअली इंटरनल लिंक कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल लिंक भी आप यहाँ से ऐड करवा सकते हो, यहाँ से कनेक्ट टू वेब कर सकते हो, आउटलाइन एडिटर को इनेबल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे अगर चाहते हो ये आर्टिकल जनरेट होने के बाद आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पे पब्लिश हो जाए, तो यहाँ से आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कनेक्ट भी कर सकते हो यस करके, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ। बेसिकली हमें अभी यहाँ पे जनरेट और टाइटल पर क्लिक कर देना है। अब जनरेट और टाइटल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास देखो एक टाइटल आ जाता है, बूस्ट योर वर्डप्रेस साइट सिक्योरिटी एसेंशियल टिप्स। आप चाहो तो एक बार और क्लिक करके रीजनरेट कर सकते हो टाइटल को, तो यहाँ पे अलग अलग टाइटल आता रहेगा। बेसिकली यहाँ पे अगर टाइटल आपको लगता है कि यहाँ इम्प्रूव नहीं है, कुछ हमें इसमें चेंजेस करना है, तो आप यहाँ से इस तरह से कट करके आप चेंजेस भी कर सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली आप अपना कीवर्ड इस तरह से डाल के अपने खुद से टाइप कर सकते हो कि कौन सा हमें टाइटल रखना है। तो मैं यहाँ पे हाउ टू इम्प्रूव वर्डप्रेस वेबसाइट सिक्योरिटी यहाँ पे इन 2024 कर दूंगा, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आपको कर देना है, आपको अपना भी कॉमन सेंस यूज करना है। उसके बाद रन बटन पर आपको क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे आर्टिकल जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.3% हो चुका है, इसी तरह से इसे 100% होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा स्टेटस पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा आर्टिकल जनरेट हो चुका है। अब इसी पे हमें एक बार क्लिक कर देना है और हमारा आर्टिकल आपके सामने देखिए इस तरह से आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि ये इसके अंदर इमेजेस जो अब जनरेट हो रही हैं वो लगेगा ही नहीं कि AI से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हमने वर्डप्रेस वेबसाइट का यहाँ पे बोला था कि वर्डप्रेस का लोगो होना चाहिए एक साइट पर, तो देखो इस तरह से सिक्योरिटी फीचर के साथ साथ वर्डप्रेस का लोगो यहाँ पे लगा दिया है। एंड यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे से आर्टिकल यहाँ पे इसने लिख के हमें प्रोवाइड कर दिया है। अब देखो यहाँ पे एक वीडियोज भी इसके अंदर इम्बेड हो चुका है। एंड यहाँ पे आप देखो हमने 3 इमेजेस बोले थे और यहाँ पे देखो वर्डप्रेस के साथ साथ काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इसने इमेजेस जनरेट कर दिया है, ठीक है। और हमारा आर्टिकल भी पूरी तरह से अच्छे से यहाँ पे लिख चुका है। और इस आर्टिकल को बेसिकली हम चाहे तो ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं। अब ह्यूमनाइज करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो इसमें FAQ भी है, कंक्लूजन भी है, सारी चीज़ें, टेबल वगैरह सब कुछ है, इमेजेस वगैरह सब कुछ है। अब हमें ह्यूमनाइज करना है। ये 3304 वर्ड का आर्टिकल हमारा जनरेट हो चुका है। ह्यूमनाइज करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ से देखो कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आप चाहो तो इसे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे पेस्ट करके यहाँ से
आप उसमें एडिटिंग वगैरह करके भी पब्लिश कर सकते हो, खुद से ह्यूमनाइज कर सकते हो, और वो ह्यूमनाइज किया हुआ आर्टिकल आपका जल्दी रैंक भी करेगा। आप चाहो इस टूल से भी ह्यूमनाइज कर सकते हो। डैशबोर्ड में आ जाना है और इसके अंदर ह्यूमनाइजर टूल है, इस पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ से आपको अपना यहाँ पे देखो रीडेबिलिटी का मोड सिलेक्ट करना है, तो ये रिकमेंडेड है, यही सिलेक्ट करेंगे। और लैंग्वेज भी हमारा यही होने वाला है। इसके अंदर जल्द ही रिमूव AI वर्ड्स भी आने वाला है, तो AI वर्ड्स भी आप इसके अंदर से रिमूव कर पाओगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या करना है ना, आपको अपना जो आपने लिखा है उसे यहाँ पे बेसिकली पेस्ट करना है, और ये 3000 वर्ड तक का यहाँ पे बेसिकली कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे देखो ये 3303 है, तो मैं यहाँ पे एक दो वर्ड यहाँ पे ऐसे हटा दूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली हमारा वो 3000 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो 300 बेसिकली ज़्यादा हमारा हो रहा है। इस तरह से आप बेसिकली कुछ हटा लोगे, क्योंकि ये 3000 यहाँ पे करेगा, ठीक है, 3000 वर्ड ह्यूमनाइज करेगा। तो चलो हम FAQ को हटा देते हैं अभी। FAQ हटाने के बाद इम्प्रूव हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। तो हमने हटा दिया FAQ, एक FAQ है बस, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ह्यूमनाइज बटन पे क्लिक कर देना है। अब जब हम ह्यूमनाइज बटन पे क्लिक कर देते हैं ना, तो ये ह्यूमनाइज टेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, और डायरेक्टली आप इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इसे ह्यूमनाइज होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ह्यूमनाइज वाला यहाँ पे दिख रहा है, तो देखिए ये पूरा ह्यूमनाइज कॉन्टेंट है हमारा, और इसे हम बेसिकली यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। अब तो ये ह्यूमनाइज तो हो गया, अब हम इसे पब्लिश भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं SEO राइटिंग टूल के कुछ और चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ पे हम एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे हम चलेंगे बिलिंग में। अब बिलिंग में जाने के बाद एक चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे आप फ्री वाला प्लान लोगे तो उसके अंदर 5000 वर्ड ही आप लिख पाओगे, 5000 वर्ड के बाद फिर आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। तो अपग्रेड नाउ बटन पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे देखो तीन प्लान देखने को मिल जाता है। ये बिल्ड मंथली है, ईयरली 25% ऑफ भी मिलेगा आपको। तो हम ईयरली कर लेते हैं, ठीक है। ईयरली करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पे 5 आर्टिकल आप फ्री वाले में लिख सकते हो, 5000 वर्ड और 5 जनरेशन कर सकते हो, और 5 आर्टिकल आप ह्यूमनाइज भी कर सकते हो, ठीक है। टॉप क्वालिटी AI इमेजेस इसके अंदर मिल जाएगा, और साइटेशन ऑटो और साइटेशन मिल जाएगा। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा फीचर चाहते हो तो आप यहाँ पे देखो $14 पर मंथ के हिसाब से आपको पड़ने वाला है। 50 आर्टिकल इसके अंदर आप लिख पाओगे, 50 जनरेशन कर सकते हो, अनलिमिटेड वर्ड्स इसके अंदर आपको मिलेंगे, और ह्यूमनाइजर टूल के अंदर आप 100 आर्टिकल पर मंथ यहाँ पे बेसिकली ह्यूमनाइज कर सकते हो। बल्क जनरेशन GPT-4 और Cloud3 ऑपस मिल जाता है, आउटलाइन एडिटर और वर्डप्रेस इंटीग्रेशन इसके अंदर मिलेगा। तो ये $14 पर मंथ मिलेगा, और $59 पर मंथ आपको प्रोफेशनल प्लान मिलेगा, और इसके अंदर 250 आर्टिकल आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, अनलिमिटेड वर्ड, सारी चीज़ें बेसिकली इसमें देखो अनलिमिटेड मिलने वाली है, और 250 जनरेशन आप कर सकते हो, ठीक है। और इसी के अंदर API कमिंग सून है, यानी कि जो AI वर्ड्स वगैरह है, API है, ब्रांड वॉयस है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हो, और मैंने कूपन कोड भी दिया है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो को लाइक करिए। ब्लॉगिंग SEO मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और bloggingskill.com को जाके विजिट करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगिंग की नॉलेज ले पाएँ। धन्यवाद।